जब वीडियो बनाते हैं ना तब साला गला में इतना। ओके सो अनबॉक्सिंग करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट। ये भी ठीक है, लोग जानते हैं कि अभी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का सेल चल रहा है और इसी बीच मैं प्रिफर करता हूं Insta 360 X3 इस डेट पे भी खरीदने को, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। इसमें जो सेंसर यूज हुआ है, मेरे ख्याल से ये जो सेंसर है वो अभी Insta 360 X4 में भी सेम सेंसर ही यूज किया गया है, और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ Insta 360 X4 लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें बहुत ज्यादा ही प्राइस डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस साल 2025 में भी Insta 360 X3 ही प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से ही ये Insta 360 X4 का फीचर X3 में भी आ सकता है, पर कंपनी आपको शायद ये चीज देगी नहीं। मे भी दे भी सकती है, मे भी नहीं दे सकती है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सेल्स पर। अगर Insta 360 X3 का सेल्स Insta 360 X4 से ज्यादा रहा तो कंपनी X4 के सारे फीचर X3 में भी दे देगी। इसीलिए मैं आज के डेट में भी Insta 360 X3 ही लेना सबसे ज्यादा प्रिफर करता हूं, और ये बजट में भी 360 कैमरा आ जाएगा और आपके काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे। अगर आप लेना चाहो तो ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा इन 2024 एंड इन 2025 में भी। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें कि डब्बे में हमें क्या क्या मिलता है। ओके, तो डब्बे से शुरुआत करते हैं। सो अनबॉक्सिंग करने लायक कुछ अभी है नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ही लिया था, मैंने 6 महीने पहले इसे खरीदा था। ओके सो अनबॉक्सिंग करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, ये मैंने JBL का 245NC का रिव्यू बनाया था इससे पहले, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी मुझे कुछ इशू इसमें आ रहा है, तो अभी मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू बनाऊंगा वो नेक्स्ट प्रोडक्ट में उसका अगर कुछ इशू आता है तो मैं उसके साथ आपको वीडियो के बीच में ही वो प्रोडक्ट का जो भी इशू है वो शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो देरी का अनबॉक्सिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ही ले रखा था, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। डब्बे में एक आपको आता है Insta 360 कैमरा, एक उसके साथ प्रोटेक्टिव पाउच आता है, इसमें एक माइक्रो फाइबर क्लोथ भी दिया जाता है जिसमें Insta 360 की ब्रांडिंग बनी हुई है, और इससे आप लेंस इसके आराम से क्लीन कर सकते हैं। देखिए, खरीदने को तो आप Insta 360 X2 भी ले सकते हैं। X2 मैं इसलिए प्रीफर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि X2 का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही छोटा है और इसका डिस्प्ले काफी बड़ा है, तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगा इसमें यूज करने में और आपको इसमें व्यू में काफी कन्वीनियंट होगा। इसलिए मैं आपको Insta 360 X3 के लिए प्रिफर कर रहा हूं, ना कि X2 के लिए। 360 वीडियोस फुटेज के लिए X2 भी कैपेबल है। और डब्बे में आता है एक ये यूटिलिटी बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपको चार्जर वगैरह, इसका एक चार्जर मिलता है, मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूं तो मैंने इसको रैप कर दिया। चार्जर काफी लंबे टाइम तक चलता है, ये 10-20 रुपए में आता है कुछ, ये आप रैप कर सकते हैं आराम से। कभी कभी क्या होता है ना, ये यहां से खराब होने लगता है, तो अपने जितने भी जो रेगुलर यूजेस पे जो केबल्स आते हैं उसको मैं हमेशा रैप करना ही प्रेफर करता हूं। और इसी में आता है एक्सेसरीज में एक केबल आता है, एक आपको ये क्लोथ आएगा, काफी थोड़ा बहुत बुकलेट वगैरह आएंगे बस दिया था, एक बुकलेट आएगा, Insta 360 का स्टिकर आएगा और मैं अभी तक रखा हूं, क्या करूंगा इसको, कहीं लगा भी नहीं सकता। पुस्तक आएंगे छोटे छोटे, एक नशे की पुड़िया, पानी में डालो पी लो, सही में मत कर लेना भाई, चल जाओगे। सिलिका जेल एक रहता है मॉइस्चर नहीं लगने के लिए, बस। और इसमें कुछ आता नहीं है डब्बे में, खत्म, डब्बे का बातचीत खत्म। अभी डब्बा को करते हैं साइड और बात करते हैं Insta 360 के बारे में। सो मेन रीजन है Insta 360 X3 लेने का, इसके साथ जो Insta 360 ऐप आता है वो ऐप इतना कैपेबल है कि आपको एडिट करने में, अगर कोई नौसिखिया भी अगर एडिट करना चाहे तो वो तुरंत एडिट कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं, जो टेम्पलेट्स में आप उसको वीडियो डालना है और उसी टेम्पलेट के थ्रू आपको वीडियो एडिट कर देना है, वो टेम्पलेट खोलना है, उसमें अपना जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो डालना है और आपका एडिट कंप्लीट हो जाएगा। ये कन्वीनियंस सिर्फ Insta 360 ऐप में अब पहले दिया जाता था, अभी तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, DJI भी अपना ऐप लॉन्च कर दिया है DJI मीमो करके, और GoPro का तो मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक GoPro यूज नहीं किया। DJI का मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक एक करके मैं उसका भी रिव्यू धीरे धीरे डाल दूंगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं Insta 360 X3 के बारे में। सो मैं आपको क्यों प्रिफर कर रहा हूं X3 लेने के लिए, X4 अभी नहीं लेने के लिए, क्योंकि X4 में सिर्फ कंपनी प्रमोट कर रही है 8K वीडियो। आप बताओ 8K वीडियो आप चलाओगे कहां? अगर 4K वीडियो 60fps में अगर आप चला देते हो तो पहली बात तो आपको उसके लिए एक अच्छा स्टोरेज चाहिए, जैसे मेमोरी कार्ड चाहिए, फिर आपको वो स्टोरेज को कंप्यूटर में डालने के लिए एक फास्ट कंप्यूटर चाहिए जो उसको रेंडर कर सके। मेरे पास 4080 का ग्राफिक कार्ड है और उसमें 4K 60 अगर मैं आधे घंटे का वीडियो डालता हूं तो वो लैग करने लगता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि 4K वीडियो ही आपको रेंडर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 4K वीडियो आप रेंडर नहीं कर पाओगे तो 8K वीडियो कैसे रेंडर होगा? तो इसका सिंपल तरीका
एक ही सोल्यूशन है कि आप इंस्टा 360 X3 लें। अगर आपके पास खैरात का ज्यादा पैसा है तो आप इंस्टा 360 X4 के ऊपर जा सकते हैं, उसको फिर रन करने के लिए एक अच्छा कॉस्टली मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 512 GB या 1 TB कैपेबिलिटी स्टोरेज होना चाहिए। उसको रन करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा 5 से 6 लाख का PC होना चाहिए, जो उसमें आप आराम से स्मूथली उसको रन कर सकें और वीडियो एडिट कर सकें, बाकी आपकी मर्जी है। सो इसमें रेजोल्यूशन आपको 5.7K एट 30 FPS भी प्रोवाइड होता है। 5.7K में भी अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको रेंडर होने में बहुत प्रॉब्लम लगेगा। 4K एट 30 FPS है एंड 2.7K एट 100 FPS। स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 2.7K एनफ है। इसमें 2 1/2 इंच के सेंसर आते हैं, एक साइड 1/2 इंच है, एक साइड 1/2 इंच, दोनों मिला के एक स्पीयर टाइप का वीडियो रिकॉर्ड होता है और उसको बीच से स्टिच कर दिया जाता है, तो आपको 360 वीडियो देखने को मिलता है। ये आप इसको एज एक्शन कैमरा भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहे तो फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हैं, चाहे बैक कैमरा, बट एट ए टाइम एक ही कैमरा यूज होगा और वो एज एक्शन कैमरा रिकॉर्ड भी करेगा। तो जो X3 का लेआउट है वो काफी बैक में काफी स्मूथ है। साइड में जो ग्रिप है उसको पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए एक अच्छा सा टेक्सचर दिया हुआ है। काफी बड़ा स्क्रीन है, एक रिकॉर्ड बटन है, बैटरी के लिए साइड में कंपार्टमेंट दिया हुआ है और बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर ही मेमोरी कार्ड का एक स्लॉट दिया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप हमेशा जिसका रीड एंड राइट 200 Mbps रहता है वो अगर आप यूज करोगे तो आपको 4K वीडियो जो है वो आपका काफी स्मूथ फुटेज आएगा। नहीं तो क्या होगा, वो लैगी और जिटरी टाइप का वीडियो फुटेज आता है, कभी कभी तो वो करप्ट भी हो जाता है। तो 4K वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको तो भाई पैसा खर्चा करना पड़ेगा, काफी हैवी, ठीक है। तो इसमें एक USB टाइप सी आता है चार्जिंग के लिए। तो दोनों जो सेंसर है इसके वो 48 MP के सेंसर है। X4 में भी आपको सेम ही सेंसर मिलेगा, सेम सेंसर साइज भी मिलेगा, बट बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। ओके, सो इसमें फोटोज भी बहुत अच्छे क्लिक होते हैं और इसमें जो फोटोज हैं वो 72 MP का फोटो क्लिक होता है। 72 MP इन द सेंस ये पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और पिक्सल बिनिंग अगर आपको समझना है तो मैं उसके लिए एक अलग अल्टरनेट वीडियो बना दूंगा, उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा कि पिक्सल बिनिंग होता क्या है। तो बस आप या तो आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। 360 कैमरा लेने का यही एक बेनिफिट है कि आपको सोचना ही नहीं है कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। एक बार रिकॉर्ड कर लो, जो भी रिकॉर्डिंग आ गया है आपके हिसाब से उसको अपने फ्रेम में डालो। इंस्टा 360 का जो ऐप आता है वो ऐप में आप इसका वीडियो डालो और आपके हिसाब से उसको फ्रेम बाय फ्रेम एडिट करके और अपने हिसाब से वीडियो बना सकते हो। और इंस्टा 360 ऐप जो है उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपको उसका ऐप कंप्यूटर चाहे फोन में फ्री मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जब ऐप फ्री ही है तो उसको डाउनलोड करके दूसरे फोन का फुटेज या किसी अदर डिवाइस का फुटेज उसमें डाल के एडिट कर सके, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप जब ये प्रोडक्ट खरीदते हो तब उसमें ये प्रोडक्ट का आपका रजिस्ट्रेशन मांगता है और रजिस्ट्रेशन में प्रोडक्ट का कोड डालना पड़ता है जो आपके डिवाइस में मिला है। तो जैसे ही आप इसको कोड डालोगे या आप इसको पेयर करोगे तभी वो ऐप एक्टिवेट होगा आपके डिवाइस पे। और बस यही इसी कैमरा का फुटेज वो अच्छे तरीके से एडिट कर सकता है। मैंने दूसरे कैमरा का भी फुटेज उस पे डाल के देखा है पर उसमें ब्लरी इमेज आ जाता है और वो एडिट उसको उतने सही तरीके से नहीं करता है। तो फ्री है तो बस प्रोडक्ट के साथ फ्री है, बाकी किसी के साथ फ्री नहीं है। तो मैंने कुछ एसेसरीज इसका लिया है और एक बात आप याद रखो हमेशा कि इसके जो भी एसेसरीज है ये आप आफ्टर मार्केट अगर लोगे आपको दुनिया भर का लोग बात बोलेगा, पर बाकियों की तरह मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके कम से कम खर्चे हो। पहली बात तो मैं हर बार आपको बोलते आया हूं, नॉट एवरीथिंग इज नेसेसरी टू बाय, को जरूरत नहीं है लेने का। अगर आपको जरूरत है, जैसे मुझे ये जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि मैं पहले मोटो ब्लॉगिंग करता था, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हो, तब मुझे एक सेकेंडरी कैमरे की जरूरत पड़ी थी तो मैंने इसको लिया था। और दूसरी बात, अगर आपको जरूरत है कम से कम खर्चे पर आप वो डिवाइस ले सकते हो। मैं बाकियों की तरह नहीं बोलना चाहता कि जिसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है वो दुनिया भर का शिकायत, दुनिया भर की बातें करेंगे कि ये खराब है, ये मत लो, वो ले लो, वो खराब है, वो मत लो, ये ले लो। जैसे सपोज समझ लो कि ये प्रोडक्ट अभी न्यू है, समझ लो ये इंस्टा 360 X4 है और वो इंडिया में अभी नहीं आया, तो बाकी जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो क्या करेंगे, इसका रिव्यू कर देंगे और बता देंगे ये डॉलर्स में मिल रहा है। क्यों भाई, जब डॉलर्स में मिल रहा है और जब इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो आप इसका वीडियो बना ही क्यों रहे हो। सिंपल सा बात है, हर प्रोडक्ट जब लॉन्च हो रहा है आज के डेट में, आज के तारीख में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, 1 या 2 दिन में बहुत सारे वेबसाइट्स में आ जा रहे हैं। और बाकी बहुत सारे ऐसे इंडियन वेबसाइट्स हैं
जो यूट्यूबर्स को फंडिंग नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो ऐड ही नहीं करते हैं और बहुत कम लोग को इसके बारे में पता है। उन लोग ऐड रन नहीं करते हैं और वो लोग ऐड रन नहीं करके कस्टमर्स को बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं। हर प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ही नहीं मिलता है, बहुत सारे अलग वेबसाइट्स भी हैं, ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं, और मुझे कम से कम 5 से 6 हज़ार का डिस्काउंट मिला था। और उसके बाद सोच समझ के वेबसाइट पर सर्च करो और कम दाम, जो वेबसाइट में कम दिखा रहा है उनसे बात करो आप, और बात करके या हो सके तो आप लोकल स्टोर ढूंढो, लोकल स्टोर अगर आपको मिल जाता है तो आप उससे के खरीद लो। ऐसे फालतू का काम मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट सजेशन देता हूँ कि इंस्टा 360 का भी जितना भी है, आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इसी का, इंस्टा 360 का ही स्क्रीन गार्ड यूज करना, इंस्टा 360 का ही लेंस गार्ड यूज करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, फुटेज आपको वही मिलेगा। इंस्टा 360 का भी लेंस गार्ड यूज किया है, उसमें भी मेरे को खराब ही फुटेज मिला है। और ये वाला भी, ये जो मैंने है, ये लोकल ब्रांड का यूज किया क्योंकि वो गिर के टूट गया था मेरा, तो ये भी वही सेम फुटेज देता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और मेन बात है कि इंस्टा 360 का लेंस गार्ड अगर आप लोगे तो आपको कम से कम 1000 to 1500 से ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। आप अमेजोन में भी ढूंढोगे तो आपको 200-300 में मिल जाएगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे भी इतने ही का मिला, 299 का दोनों लेंस गार्ड मिल गया, एक स्टिकर भी मिला है, जो स्टिकर लगा के वो, अगर सपोज ये समझ लो कि ये लेंस गार्ड आपने लिया, ठीक है, अब लेंस गार्ड के बाद क्या हुआ, उसका ग्लू खत्म हो गया, तो आपको ग्लू के लिए उन लोग एडिशनल स्टिकर भी आपको अलग से दिया गया। स्क्रीन गार्ड अगर आप इंस्टा 360 का लेते हो तो आपको कम से कम 1000 से ऊपर पड़ जाएगा, जबकि मुझे ये ब्रांड काफी अच्छा है, चाइनीज ब्रांडेड डिवाइस भी चाइनीज ही है। तो अगर आप सनी फ्लाई का लेते हो तो आपको दो स्क्रीन गार्ड 400 या 500 के रेंज में दो स्क्रीन गार्ड मिल जाएगा। टेम्पर्ड ग्लास है वो स्क्रीन गार्ड, मैं आपके सामने ही दिखा देता हूँ, और उसके साथ आपको दो स्क्रीन गार्ड मिलता है, एक मेरा पहले से रखा हुआ है, एक लगा हुआ है उसमें, और बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। जो मैंने लेंस प्रोटेक्टर खरीदा है उसके साथ देखिए आपको 4 ग्लू देता है, क्योंकि दो दो लेंस के लिए 4 ग्लू एक्स्ट्रा, पहले से लगा हुआ है ग्लू, ग्लू का टेप लगा हुआ है, और बाकी और 4 आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर आपका ग्लू छूट जाए तो बस आप निकालो, लेंस क्लीन करो अंदर से बाहर से और एक नया ग्लू टेप लगा लो उसमें। तो ये सुविधा भी आपको इसमें दिए जाते हैं। ये मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया था, अमेजोन में ही मुझे मिल गया था, तो जरूरी नहीं है इंस्टा का इसका खुद का लेने का, वैसा कोई बात नहीं है। अभी तो मुझे पता नहीं कि ये वेबसाइट में अवेलेबल है कि नहीं, पर मैं खोजता हूँ, अगर मुझे उसका लिंक मिल गया तो मैं डायरेक्ट लिंक उसमें पेस्ट कर दूंगा। इसका और एक एसेसरीज मैंने लिया था, ये सिलिकॉन वाला कवर लिया था, ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो कैमरा है ना, ये मतलब ये जहां तहां गिर जाता है, तो इसके लिए मैं ये लिया था। ये गिरने के बावजूद भी इसका लेंस का प्रोटेक्टर टूट गया, पर इस पे एक भी डेंट नहीं आया। ये भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है, अगर आप कोई वेबसाइट से अगर लेते हो या आप आफ्टर मार्केट लेते हो तो आपको ये 100 रुपये का पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 200 से 300 का पड़ेगा, लेकिन ये मैंने 100 रुपये में खरीदा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन साइट्स हैं इसमें काफी बढ़ा चढ़ा के कुछ भी प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा ही रेट दिया जा रहा है। लाइक अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो सीधा 5000 में बिक रहा है और लोग ले भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या मिलता है, उनको ईजी लगता है और वो वहां से क्लिक करके ले लेते हैं तुरंत। तो वैसा नहीं करने का है, आपको पहले इसके बारे में सर्च करना है और आपको सस्ते में ही मिल जाएगा। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि लेंस के ऊपर आप कोई प्रोटेक्टर ना लगाएं, क्योंकि आपका फुटेज पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिंगल शॉट लेते हैं तो आप लेंस प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, पर अगर आप 360 शॉट लेते हैं तो आप लेंस प्रोटेक्टर ना लगाएं, क्योंकि लेंस प्रोटेक्टर लगाने के बाद जो बीच का स्टिच है ना वो पूरा विजिबल रहता है और वो आप एडिट करके भी नहीं हटा सकते। और ये पाउच तो आपको डब्बे में मिल ही जाता है और ये बहुत जरूरी है, इसको हमेशा आप इसके अंदर ही लगा के रखें चाहे कुछ भी हो। तो और एक एसेसरीज के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये है स्टिक, इंस्टा 360 का साथ जो मिलता है स्टिक। अगर ये स्टिक आप इंस्टा 360 का स्टिक अगर आप लेते हो, ये वाला 1.5 मीटर का होगा स्टिक, तो ये स्टिक अगर आप लेते हो, अगर इंस्टा 360 का लेते हो तो आपको 2.5 से 3 हज़ार का पड़ जाएगा, और अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हो तो ये मुझे कुछ 1500 का या 1000 या 1500 का पड़ा था। तो ऐसे आप ले सकते हो, और सेम चीज़ ही है, बस इस पे डिज़ाइन फॉर बुलेट टाइम लिखा हुआ है, उसमें डिज़ाइन फॉर इंस्टा 360 लिखा होगा। सेम प्रोडक्ट उठाया है इंस्टा 360 और यहाँ पे इंस्टा 360 का ब्रांडिंग कर दिया है और आपको सीधा 3 से 4 हज़ार चिपका देता है। तो ये आपको मार्केट में जाके खोजना है, ये और भी कम में मिल जाता है, कम से कम आपको मेरे ख्याल से आपको 800 से 900 में मिल जाएगा या उससे भी कम में मिल जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली मुंबई में रहते हो तो ऑनलाइन मत लो, मार्केट में जाओ, बाहर निकलो, और आपको इससे भी कम रेट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है आज के डेट में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ये स्टैंड एक्सेसरीज में मैं ये स्टैंड ले लिया था, ये मुझे 100 रुपये का पड़ा था स्टैंड, इसको और ये खड़े होने के लिए स्टैंड बन गया, और इस पर एक इंस्टा 360 का ये लगा देता हूँ मैं ऐसे करके रोटेट करके, हो गया।
अब इसको आप जहाँ रखोगे ये 360 वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाएगा, आपको कुछ छेड़ने का ज़रूरत नहीं है, कुछ ये करने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप रिकॉर्ड करेगा। इसको बस उठा दो, ये अपने आप मस्त से रिकॉर्ड करेगा। पोस्ट प्रोसेस में जाओ आप, उसको एडिट करो और इसको अच्छे से अपने हिसाब से जैसा फ्रेम बाय फ्रेम रखना है आप रख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे 360 कैमरा में काफ़ी अच्छा लगा। तो सोचो आप, मैंने कितने पैसे बचा लिए अगर मैं ये सब चीज़ ओरिजिनल खरीदता या किसी चैनल पे देखता उस पे बोल रहा है कि ये चीज़ ओरिजिनल खरीद लो, ये चीज़ ओरिजिनल खरीद लो, तो कम से कम नहीं भी खर्चा होता तो मेरा तो 6,000 से 7,000 रुपये सिर्फ यही चीज़ एसेसरीज में ही खर्चे हो जाते हैं। सो जो मैंने स्टिक के बारे में बताया, ये जो आप रिकॉर्ड, तो आप जब इसको रिकॉर्ड करते हो स्टिक से, तो ये स्टिक कभी भी विजिबल नहीं होता है क्योंकि ये जो लाइन ऑफ साइट है इनविजिबल कर देता है। तो इसके बीच में जो भी चीज़ आता है, इसके नीचे जो भी चीज़ आता है से लगा हुआ, वो चीज इसमें विजिबल नहीं रहता है। अगर आपका थोड़ा हाथ भी कट जाएगा, अगर आप हाथ को पूरा ऐसे कर एकदम सीधा करके ऐसे तो हो नहीं पाएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये हाथ पे भी लाते हो तो ये आपके हाथ का आधा कुछ काट देता है, इतना कट जाता है इसमें, कभी भी आपका हाथ नहीं आता है। आपको लगेगा कि ये हवा में उड़ रहा है, बस यहां तक दिखाता है, यहां के बाद वो नहीं दिखाता है। तो इतना वीडियो में वो लाइन ऑफ साइट में जो भी कैमरा के लाइन ऑफ साइट लोअर लाइन ऑफ साइट में आता है ना, वो उसको इनविजिबल कर देता है। तो इसको बोलते हैं इनविजिबल स्टिक, इसलिए क्योंकि ये इनविजिबल है। जरूरी नहीं है कि यही स्टिक इनविजिबल है, कोई भी स्टिक लगाओगे वो इनविजिबल ही है, क्योंकि इसके लाइन ऑफ साइट मीन्स इसके सीधाई में जो भी चीज आता है वो इनविजिबल हो जाता है। आप ऐसे भी रखोगे ना तो ये बीच का थोड़ा जगह का गायब कर देगा, वो पूरा दिखाएगा नहीं। इस स्टिक में और अटैचमेंट आता है जिससे आप एक बुलेट टाइम इसको बना सकते हो, ये ऐसे से घूमेगा ऊपर ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह, और आपको आप एक स्लो मोशन फुटेज से बहुत अच्छा फुटेज भी निकाल सकते हो, तो उसका अटैचमेंट भी अलग से आता है। आप पूरा सेट अगर खरीदोगे तो आपको 2000 लगेगा पूरा सेट, अगर ये अभी फिलहाल ऑनलाइन में मैंने 2200 में देखा था इस सेट को। सो X3 में HDR वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये HDR फीचर X3 से ही प्रोवाइड किया गया है। सही मेमोरी कार्ड अगर लगा हो तो ये ओवरहीटिंग उतना नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप इसमें लो स्पीड का मेमोरी कार्ड लगाते हो तो ये बहुत ज्यादा हीट होता है, और दूसरी बात है कि 4K वीडियो रिकॉर्ड भी सही से नहीं करता है, बीच बीच में वीडियो पिक्सलेशन दिखाई देगा। जिस मेमोरी कार्ड में एक्सट्रीम लिखा हो वही मेमोरी कार्ड इसमें लगाओ और वो एकदम मक्खन की तरह चलेगा। बैटरी बैकअप इसका अगर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो 35-40 मिनट्स का बैटरी बैकअप देता है सिंगल चार्ज पे, और ऐसे मैंने 1080 पे किया था तो इसमें 1-1.5 आवर्स तक, मतलब 1-1.5 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे आराम से मिल गया था। तो आप चाहो तो मल्टीपल बैटरी भी खरीद सकते, इसका मल्टीपल बैटरी का चार्जर भी आता है, तो आप चाहो तो मल्टीपल बैटरी विथ चार्जर के साथ भी ले सकते हो। कॉस्टली है थोड़ा, इसलिए मुझे उतना यूज नहीं आता है तो इसलिए मैंने नहीं लिया उसको। बैटरी निकालने के लिए आपको यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, इस दोनों बटन को ऐसे पकड़ना है और ऐसे पकड़ के दोनों क्लिक करना है, क्लिक करने से खुद ब खुद निकल जाता है। इसमें एक रबर का गैस्केट लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि ये वाटरप्रूफ भी है, और अगर आपको लगाना है तो सिंपली सिर्फ ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो इसमें पानी घुस जाएगा और ये खराब हो जाएगा, तो आपको ऐसे इसको प्रेस करना है। इसमें एक ऑरेंज कलर है, वो आपको दोनों स्विच में दिखाई देगा बैटरी वाले में, उसको इतना जोर से प्रेस करना है कि वो ऑरेंज स्विच दिखाई ना दे, कहीं भी ऑरेंज स्विच दिखाई ना दे, तो उससे आपका पूरा ये कंप्लीट सील्ड हो जाएगा। मैंने इसको अभी तक पानी में नहीं डाला है, एक प्रिकॉशन अपने तरफ से भी लेना होता है, तो मैंने अभी इसको पानी में डाला नहीं है, लेकिन आप शायद 1 मीटर तक पानी में इसको यूज कर सकते हो, मेरे को इसका आइडिया नहीं क्योंकि मैं अपने कोई भी डिवाइस को पानी से दूर ही रखता हूं। आपको भी अलग से एक सेफ्टी मेजर लेना चाहिए और अपने डिवाइस को हमेशा पानी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपका बिजनेस ही वही है, आपका कैटेगरी ही वैसा है कि आपको पानी में ही शूट करना है, तो आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो, पर शर्त यही है कि सही तरीका से लॉक करके ही फिर पानी में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये खराब हो गया तो इसके 1 साल का वारंटी है, लेकिन पानी का कोई वारंटी गारंटी नहीं है। अगर पानी में गया खराब हुआ तो पैसे तो आपके लगेंगे ही न्यू रिपेयर करने में, उससे बढ़िया है नया ही ले लेना चाहिए। सो इसका जो स्क्रीन है वो एक टच स्क्रीन है, तो ये काफी स्मूथ काम करता है, इवन आफ्टर मैंने एक टेम्पर ग्लास बीस पे लगा रखा है फिर भी ये काफी स्मूथ और काफी अच्छे तरीके से काम करता है और काफी एक्यूरेट काम करता है। हल्का फुल्का लैग है जब आप स्क्रॉल करते हो, तो हल्का फुल्का लैग है, और एक मेजर बात है कि ये कैमरा में थोड़ा डिले है, एक 1.5 सेकंड का डिले है इस कैमरे में, जो कि मुझे हर इंस्टा के जितने भी कैमरा आते हैं ना, तो उसमें मुझे ये फेस हुआ है। इंस्टा वाला थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए आपको कि इसमें डिले क्यों आता है। HDR फुटेज रिकॉर्ड होता है पर 72 मेगापिक्सल में HDR का कोई ऑप्शन नहीं आता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि ये आपकी चॉइस है कि आपको X3 लेना है या X4 लेना है, पर मेरे सजेशन से आपको 2025 में भी X3 ही प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि X3 और X4 में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है और ज्यादातर कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। अगर आपको 8K फुटेज से ही प्यार है, आपको 8K फुटेज के बिना आप जी नहीं सकते, तो आप X4 ले लो। मैं आपको X2 इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो सेंसर साइज है वो X2 से डबल है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 1800 mAh है और X4 की बैटरी कैपेसिटी 2200 mAh है। कनेक्टिविटी में
आपको ब्लूटूथ, वाईफाई और रिमोट एक्सेसरीज भी X3 में भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि X4 में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो X3 की कमियां मुझे ये लगी, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका अगर आपने किसी ने X4 यूज किया और आपको सेम एक्सपीरियंस हो रहा है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप कि 72 मेगापिक्सल का जब भी मैं फोटो लेता हूं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है उसको प्रोसेस करने के लिए। ये मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकता है, पर मुझे लगता नहीं है कि कंपनी वाले इसको सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स कर देते हैं तो X3 X4 में एकदम कम डिफरेंस होता है, और जो कि कॉस्मेटिक चेंजेस ही बच जाएगा। एक एक्सेसरीज मैं और लिया हूं कि मैंने इसका एक ये बॉक्स लिया था। ये बॉक्स भी अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट से अगर लोगे और आफ्टर मार्केट से लोगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन से लेते हो तो ये आपको कम से कम 2,000 से 3,000 के करीब आएगा, या उससे भी ज्यादा जा सकता है। पर ये अगर ऑफलाइन लेते हो तो मुझे कुछ 500 रुपये में पड़ा था। ये इसमें मैं आराम से एक कैमरे को आराम से एक जगह रख सकता हूँ। इसमें चाहे तो आप एक GoPro भी अगर आप चाहो तो रख सकते हो। और ये जो कंपार्टमेंट दिया हुआ है, इसके बीच में जो कंपार्टमेंट दिया हुआ है, इसमें वायर वगैरह भी कुछ इसमें रख सकते हो, या मेमोरी कार्ड वगैरह जो है वो भी आप रख सकते हो। सो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं JBL का 245NC, तो अभी मुझे इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि इसका म्यूजिक क्वालिटी बेस्ट है अगर बोला जाए, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो बैटरी बैकअप है ये खुद ब खुद ही ड्रेन होता है। मैं इसे रखे रहता हूँ, ये इसका बैटरी ड्रेन हो जाता है, जबकि मैंने OnePlus का Nord यूज किया हुआ है, उसको मैं एक बार चार्ज करता हूँ वो एक एक हफ्ते तक आराम से चले जाता था, उसमें कभी बैटरी ड्रेनेज का इशू ही नहीं आता था। इसमें बैटरी बहुत ही ड्रेन होता है। दूसरा बात है कॉल क्वालिटी, जब कॉल आप करते हो और सिंगल माइक्रोफोन लगाते हो तो उसमें कॉल क्वालिटी बहुत ही डिस्टॉर्टेड आता है। मतलब कि मैं जियो यूज करता हूँ तो उस हिसाब से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैंने एयरटेल से भी देखा है तो एयरटेल का भी कॉलिंग क्वालिटी में भी वैसा ही मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हर जगह इसका नेगेटिव रिव्यू बताया गया है, आप पॉजिटिव रिव्यू क्यों बता रहे हो। तो मैंने कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं बताया है, मैंने बताया कि इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, और दूसरी बात है कि इसका मैंने अल्टरनेटिव भी बताया कि आप 235NC भी ले सकते हो इससे कम दाम में। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया कि 235NC को ही बंद कर दिया। रहा है बात म्यूजिक क्वालिटी की, तो म्यूजिक क्वालिटी मुझे सबसे अच्छा इसी का लगता है। मेरे पास और भी बहुत सारे TWS है, मैंने बहुत सारा TWS यूज किया, मैंने सेनाइजर का भी TWS यूज किया है, तो उसका रेट भी वैसा है, 30,000-40,000 के करीब आता है उसका, तो उसकी म्यूजिक क्वालिटी तो अलग होगी ही होगी डेफिनेटली। ये 5,000 के रेंज पे वर्थ नहीं करता है। तो ये था हमारा Insta360 X3 का एक शॉर्ट रिव्यू। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि नॉट एवरीथिंग इज नेसेसरी टू बाय। अगर आपको 360 वीडियो बनाना है तो आप Insta360 X3 पे जा सकते हैं, आप X2 पे भी जा सकते हैं, पर X2 और X3 में जमीन आसमान का फर्क है, और X3 और X4 में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो हाल ही में मैंने क्रियो का कीबोर्ड लिया है, इसका एक जल्दी से रिव्यू नेक्स्ट वीडियो पे लाना चाहूंगा। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट में लिख के बताएं, मैं ट्राई करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो पे लाने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।